गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्वर और व्यंजन। व्यंजन हमने पढ़ा था क से अंग तक, और स्वर हमने, स्वर क्या होता है बच्चों? अ से अह तक। अ से अह तक हमने स्वर कविता के साथ अच्छे से लर्न किया और लिखना भी सीखा। उसके बाद आज इसके बाद हमने पढ़ा, इसके पहले हमने पढ़ाया है क से अंग तक व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे इसके बाद क से अंग के बाद कौन सा अक्षर आता है? च से इय, च वर्ग। क वर्ग हमने पढ़ा दिया बच्चों, अब आएगा आपका च वर्ग। तो चलिए च से इय तक हम व्यंजन पढ़ेंगे आज। तो इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है कविता के साथ, तो चलिए हम पढ़ते हैं। च से बच्चों, च से चरखा, च से चरखा, च से चम्मच, च से चटाई, च से चांद। अब आता है इसके बाद च के बाद छ, छ से होता है छाता, छ से छतरी, छ से छन्नी, छ से छड़ी। अब आता छ च फिर छ फिर आएगा आपका ज, ज से जहाज, ज से जहाज, ज से जग, ज से जड़, ज से जूते। अब इसके बाद क्या आता है? च छ ज, इसके बाद क्या आएगा बच्चों? झ, झ से आपका होता है झंडा, झ से बच्चों झंडा, झ से झंडा, झ से झरना, झ से झूला, झ से झाड़ू। उसके बाद आपका आता है इय, इय माने क्या होता है? कुछ नहीं, खाली। इय माने क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं, खाली। तो चलिए अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं च से इय तक व्यंजन। च वर्ग, च से चम्मच, च से चांद, च से चरखा धुड़ धुड़ चलता, च से चरखा धुड़ धुड़ चलता, गांधी जी का न्यारा चरखा, गांधी जी का न्यारा चरखा। च के बाद क्या आएगा बच्चों? ये आपका च। उसके बाद क्या आता है? छ, छ से छाता, छ से छड़ी, छ से बच्चों छाता, छ से छड़ी, छ से छाता मामा लाए, छ से छाता मामा लाए, वर्षा और धूप से बचाए, छ से छाता मामा लाए, वर्षा और धूप से बचाए। च छ, उसके बाद आपका आएगा ज, ज से जहाज, ज से जग, ज से जल, ज से जहाज पानी पर चलता, ज से जहाज कहाँ चलता है? पानी के ऊपर चलता है ना। ज से जहाज पानी पर चलता, दुनिया भर की सैर कराता, दुनिया भर की सैर कराता। उसके बाद आपका आता है च छ ज झ, झ से झंडा, झ से झाड़ू, झ से बच्चों झंडा, झ से झाड़ू, झ से झंडा तिरंगा न्यारा, झ से झंडा तिरंगा न्यारा, ये हमें है जान से प्यारा, ये हमें है जान से प्यारा, झ से झंडा तिरंगा न्यारा, यह हमें है जान से प्यारा। अब इसके बाद कौन सा अक्षर आता है? इय, इय माने क्या होता है? कुछ नहीं, खाली। अब चलिए इय से खाली क्यों भाई, इय से खाली क्यों भाई, बात समझ में ये ना आई, इय से खाली क्यों भाई, बात समझ में ये ना आई। तो आपको आज हमने च वर्ग बताया है, तो च वर्ग में आपको पांच अक्षर है, च च छ ज झ इय, ये आपको पांच अक्षर अच्छे से याद करने हैं। चलिए एक बार हम फिर से आपको पढ़ा देते हैं। च से चम्मच, च से चांद, च से चरखा धूर धूर चलता,
गांधी जी का न्यारा चरखा। अब उसके बाद आता है छ, छ से छाता मामा लाए, वर्षा और धूप से बचाए। अब उसके बाद आता है ज, ज से जहाज पानी पर चलता, दुनिया भर की सैर कराता। उसके बाद झ, झ से झंडा तिरंगा न्यारा, यह हमें है जान से प्यारा। उसके बाद आता इया, इया से खाली क्यों भाई, बात समझ में ये ना आई। च छ ज झ इया। फिर से हम पढ़ते हैं, चलिए बच्चों हमारे साथ बोलिए। च, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, ये माने कुछ नहीं। तो इस तरह से आपको अच्छे से याद करना है। चलिए हम एक्सरसाइज और आपको समझाते हैं। बच्चों इस तरह से आपकी बुक में ये दिया हुआ है जैसे हमने आपको बताया, तो आप इस तरह से कविता के साथ अच्छे से याद करेंगे और लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसकी हम आपको एक्सरसाइज भी समझाते हैं। गोला करें, तो इस तरह से आप देखिए चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला करें। ये आपका ये दो चित्र हैं, तो इस तरह से आपको चित्र बना हुआ है और इसका सही अक्षर कौन सा है आपको गोला करना है। तो आप कैसे गोला करेंगे, देखिए झ से क्या होता है, झंडा, झंडा किससे होता है बच्चों, झ से। तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे झ कहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपका ये झ लिखा हुआ, हम यहाँ पर गोला कर देंगे। ये आपका हो गया चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला करें। चित्र देखेंगे और फिर अक्षर देखेंगे और फिर उसके बाद गोला करेंगे कि झ से क्या होता है, झ से क्या होता है बच्चों, झंडा। तो यहाँ हमने गोला कर दिया। अब आया आपका ये कौन सा चित्र बना है, गमला। तो गमला किससे होता है, ग से होता है ना। तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे ग कहाँ लिखा हुआ है, ग यहाँ लिखा है तो हम इस पर ऐसे गोला कर देंगे। ये ग से आपका गमला हो गया। इस तरह से आपको ये बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, आपको बुक में एक्सरसाइज फील करनी होगी। तो चलिए आज अच्छे से आपको च से यहाँ तक व्यंजन अच्छे से समझ में आना चाहिए और आपको अच्छे से पोयम के साथ लर्न होना चाहिए और लिखने की भी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से लिखना भी आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।